पैनी नजर सामाजिक संस्था ने शुरू किया चालान राशि इकट्ठा करने हेतु चालान भरो आंदोलन। नवाबगंज बरेली में नवाबगंज भदपुरा ब्लॉक ग्राम हरैया में सांडो की समस्या पर पहुंची पैनी नजर सामाजिक संस्था ने 3 तारीख को ग्राम से आवारा सांडो को 2 ट्राली भरकर तहसील परिसर में पहुंचाने के पश्चात किसानों की समस्या पर प्रशासन ने जिले के वरिष्ठ भाजपा नेताओं द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाकर किसानों को 2 ट्राली का चालान कर 67,000 रुपए काट दिया गया। रात के 2:30 पर यह चालान काटा गया। ग्रामवासियों से संस्था अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी क्या प्रशासन की मजबूरी थी कि रात के 2:30 पर चालान काटना पड़ा। उसी समय काटा जा सकता था किंतु ऐसा नहीं किया गया। वरिष्ठ भाजपा नेताओं द्वारा यह सोची समझी रणनीति के तहत किया गया और षड्यंत्र का शिकार बना दिया। स्थानीय प्रशासन ने धमकाने के लिए संस्था के पदाधिकारियों के नाम नोट करते हुए कहा, आप लोगों के साथ साथ ग्रामीणों को भी पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल भेजा जाएगा। आपको बताना जरूरी है कि नावारा पशुओं के कारण कई मौतें हो चुकी हैं और कई लोग अपने अंगों से हाथ धो बैठे हैं, किंतु संस्था अध्यक्ष ने कहा कि इससे ना तो संस्था के इरादों पर ना ही किसानों पर कोई आंच आने वाली है। लेकिन हाँ, आज प्रशासन नेताओं का आंतरिक स्वरूप सामने आ गया। किसानों का भला कर रहे नेताओं के चेहरे से आवरण हट गया। किसानों की बात न सुनकर उनके ऊपर यह क्रूरतापूर्वक एक और प्रहार किया गया जिससे किसान कोई आवाज़ न उठा सके। अध्यक्ष ने कहा कि ग्राम हरैया ने यह साहस किया है, अपनी आवाज़ उठाई है, इसे कोई भी दबा नहीं सकता। संस्था अध्यक्ष एंड सुनीता गंगवार ने कहा कि अब ध्यान शुरू होगा कि किसानों के ऊपर जबरन क्रूरतापूर्वक जो आर्थिक दंड दिया गया इसके लिए संस्था का चालान भरो आंदोलन आरंभ होगा। एक गांव से लेकर जिले के हर कोने में चलेगा। संस्था इसको चलाएगा और 67,000 जमा करके प्रशासन को सौंपेगा चालान। मजर अली, रिपोर्टर, नवाबगंज बरेली। यहाँ पर इसलिए आना हुआ है कि इसी गांव से परसों के दिन तहसील में 2 ट्राली भर के गांव वालों ने बड़ी अपनी जान जोखिम में डालकर पशुओं से परेशान होकर, जो पशु पूरे खेत के खेत खा जाते हैं और ये आवारा घूम रहे सांड, और इनकी वजह से बहुत लोग घायल हुए हैं, बहुत लोगों की मृत्यु हुई हो गई है। सरकार की तरफ से कोई ना सहायता मिल रही, ना इनका कोई संशोधन मिल रहा है कि आखिर ये पशु किस तरह से इन पर कंट्रोल किया जाए। तो उसके बाद जो है, जो भी घटनाक्रम हुआ था वो मीडिया के जरिए सभी को पता है, लेकिन कल की जानकारी में संस्था के पास ये आया कि दोनों ट्रालियों का पुलिस ने जो है वो चालान कर दिया है। एक ट्राली का 32,500 रुपये का चालान हुआ है और एक ट्राली का 34,500 रुपये का चालान हुआ, यानी कि कुल मिलाकर दोनों ट्रालियों का 67,000 का चालान किया है। किसानों को ये सौगात जो है यहाँ के प्रशासन ने दी है, उप जिलाधिकारी महोदय ने दी है किसानों को ये सौगात, तुम्हारी समस्या के लिए ये हम सौगात तुम्हें दे रहे हैं। किसान अपनी व्यथा कहने गया था, उसकी व्यथा को तो नहीं सुना गया, उसके सामने जो है पुलिस प्रशासन को लाकर खड़ा कर दिया गया था और पुलिस प्रशासन का डंडा दिखाकर किसानों की समस्या के लिए जब मुंह खोलने पर बंद करने के लिए पुलिस प्रशासन का प्रयोग किया गया था, और पुलिस प्रशासन ने किसानों के साथ में एक धोखाधड़ी भी की थी, संस्था के साथ में भी धोखाधड़ी की थी। उन्होंने कहा कि आप तहसील से आपकी बात सुनी जाएगी, इस बात की वीडियो भी है कि पुलिस प्रशासन ने कहा आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी समस्या का निस्तारण किया जाए। उसके बाद वो धोखाधड़ी करके रिछोला चौकी पर ले गए थे और वहाँ पर ग्रामीणों को उन्होंने रोक लिया था, ट्रालियों को भी रोक लिया था, संस्था के पदाधिकारियों को भी रोक लिया था और कहा था कि आपके ऊपर मुकदमा किया जाएगा। और हमने, संस्था अध्यक्ष ने कहा कि आप मुकदमा कर सकते हैं, संस्था ने इसकी जिम्मेदारी ली है और संस्था इस समस्या को प्रशासन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने के लिए आई है, इस समस्या का समाधान लेने आई है। आपके पास पावर है, इसी पावर का आप चाहे तो सदुपयोग कर सकते हैं, आप चाहे तो दुरुपयोग कर सकते हैं। तो दुरुपयोग करते हुए उन्होंने कहा आपके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। तो मैंने कहा आप मुकदमा लिख सकते हैं, आप संस्था अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा लिखिए, जेल में डालिए, संस्था अध्यक्ष इसके लिए तैयार है। सर, चार का चालान किस आधार पे किया है मैं नहीं पूछूंगी प्रशासन से, मैं नहीं पूछूंगी सरकार से, लेकिन ये दो दंड का क्रूर कार्यवाही प्रशासन द्वारा ये की गई है। और ये भी मैं बताना चाहूंगी कि ये कार्यवाही किसके इशारे पे की गई है, ये कार्यवाही जिले के वरिष्ठ, 2:30 बजे रात को चालान किया गया है। 2:30 बजे रात को कौन सा
सरकारी दफ्तर खुलता है ये मुझे बताया जाए। 2:30 बजे रात को ऐसी कौन सी बेचैनी इन्हें हुई थी जिसकी वजह से इनको 2:30 बजे रात को चालान करना पड़ा है, और ये 67,000 रुपए पूरी विधानसभा के गांव, पूरे किसान, मैं सबसे अपील करूंगी, मैं पूरे जिले से अपील करती हूं, मैं पूरे प्रदेश से अपील करूंगी, प्रदेश की जनता से अपील करती हूं कि हम 1-1 रुपए, 2-2 रुपए, 10-10 रुपए जमा करके हम ये 67,000 का चालान भरेंगे। कोई बात नहीं, संस्था के पास कोई फंड नहीं है, लेकिन संस्था की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है। संस्था का विश्वास, लोगों का विश्वास संस्था पर है, और उस विश्वास को खत्म करने के लिए ये नेताओं द्वारा एक षड्यंत्र किया गया है। लेकिन इस षड्यंत्र से नेताओं को कुछ नहीं मिलने वाला है। जब समस्या खड़ी है तो लोग भी खड़े रहेंगे और संस्था भी खड़ी रहेगी। जब तक समाधान नहीं है ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। आज ये देख रहे हैं आप, पूरा गाँव जमा हुआ है यहाँ और लोग पूरे तैयार हैं। उनने कहा है कि कोई बात नहीं, चालान किया है, हम इसे भी भरेंगे। मिल बांट कर संस्था पूरे उसमें आंदोलन चलाएगी। चालान भरो आंदोलन संस्था का आज से आरंभ हो रहा है। प्रत्येक गांव में संस्था अपनी झोली फैलाकर लोग इस किसानों की, इन मजबूर किसानों की समस्या के लिए, अब भीख मांगनी पड़ी तो भीख भी मांगेंगे, और ये चालान हम प्रशासन को सौंपेंगे। और जिस दिन ये 67,000 नहीं, अगर 67,00,000 का भी चालान कर देंगे तो भी हम ये चालान लोगों से चंदा लेकर ये चालान भरा जाएगा। बहुत गांवों से फोन आ रहे हैं इन सांडों की समस्या को लेकर। हमने कहा भाई, अब ये सांडों की समस्या का समाधान तो हमें नहीं मिला है, लेकिन हमें ये क्रूरता भरा हुआ प्रशासन व नेताओं द्वारा ये दंड जरूर मिला है। पहले हम इस दंड से निपट लें, उसके बाद संस्था का अभियान ये चलता रहेगा। अब संस्था का चालान भरो अभियान गाँव गाँव चलेगा।